रामनवमी के पावन अवसर पर श्री गणेश बाल युवक मंडल के द्वारा वडोदरा शहर में भव्य राम यात्रा निकाली गई थी। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी के मौके पर भव्य राम यात्रा शहर में निकाली गई। यह भव्य राम यात्रा फतेहपुरा कुम्भारवाड़ा से निकलकर मांडवी न्याय मंदिर होकर सुरसागर हठीला हनुमान जी मंदिर पर समाप्त हुई थी। इस भव्य राम यात्रा का प्रारंभ फतेहपुरा से हुआ था, जहां पर भव्य सामूहिक आरती भी की गई थी। इस आरती में माननीय सांसद श्री एवं वडोदरा सीट से भाजपा के उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट, पूर्व मेयर श्री भरतभाई डांगर, वडोदरा के विधायक श्री मनीषाबेन वकील समेत कई महानुभाव मौजूद रहे थे। भगवा रंग में निकाली गई यह राम यात्रा शहर में आकर्षण का केंद्र बनी रही थी। पूरा शहर कल श्री राम के नारों से गूंज उठा था। हजारों की तादाद में लोग इस राम भक्ति में लीन होकर राम यात्रा में जुड़े थे। पूरी पुलिस तैनाती के साथ शांतिपूर्ण माहौल में राम यात्रा सम्पन्न हुई थी। लोगों को लड़ते दर वर्षनी जैन आ वर्षे चैत्री नवमना दिवसे भगवान श्री राम भगवान जन्म उत्सव निमित्ते फतेहपुरा कुंभारवाड़ा थी शोभायात्रा स्थापना नवे नौ दिवस स्थापना करी अने शोभायात्रा छेल्ला नवमना दिवसे आयोजन हो आयोजन आ वखते खूब धामधूम थी उत्साहपूर्वक फतेहपुरा कुंभारवाड़ा श्री गणेश बाल युवक मंडल અમે તમામ ટીમ કરી રહ્યા છે, જેમાં લોકોનો પણ ખૂબ સાથ સરકાર મળી રહ્યો છે, ઉત્સાહ દેખાઈ રહ્યો છે, સાથે સાથે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટથી પણ તરફથી પણ અમને ખૂબ સારી હેલ્પ અને ખૂબ સારું પ્રોટેક્શન મળ્યું છે, એ બદલ પણ પોલીસ આભાર વ્યક્ત છે અને સૌ રામ ભક્તોનો જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહાયતા તેઓનો પણ સહાયતા મળવા માંગુ છું.